नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इक्विटी मार्केट में। तो दोस्तों, आज हम जिस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, इस शेयर को हम लगातार कवर कर रहे हैं। इसमें कोई भी अपडेट या कोई न्यूज़ निकल के आती है, हमने अब तक उस अपडेट को, उस न्यूज़ को पहुँचाया है। इस शेयर का अभी तक जो हाल देखने को मिला है, काफ़ी अच्छी बुलिश रैली इसमें देखने को मिली थी। जब इस कंपनी का नाम चेंज हुआ था तब से जो है, और अपने जो उन्होंने अपने प्लान जो चेंज किए थे, अपने बिजनेस में जो जो सुधार किया था, उस वजह से कंपनी ने काफ़ी जो है ग्रो की। कंपनी जो है प्रॉफिट में भी आ चुकी है और लगातार अच्छे अच्छे जो है प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और इसके अलावा इस कंपनी ने जो अपने मैनेजमेंट में जो चेंज किया था और अपने विजन जो उन्होंने क्लियर कर दिए हैं, और कंपनी जो है भविष्य में जो अपना निवेश कर रही है, इन सबको जो है नज़र में रखते हुए कंपनी बहुत अच्छा आगे आने वाले समय में परफॉर्मेंस देने वाली, ये बिल्कुल गारंटी है इस कंपनी में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन सा इसका लेवल जो है काफ़ी अच्छा आपके लिए रहेगा बाइंग करने के लिए, और इसमें अभी आगे क्या हो सकता है, कब इसमें बहुत तगड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, आगे के इसके क्या टारगेट लेवल रहने वाले हैं, कौन से लेवल पर आपको जो है सही जो है बाइंग का आपका लेवल है, और अगर आप ऊपर के लेवल में इसमें फंस गए तो आपको आगे क्या डिसीजन इसमें लेना चाहिए, ये सब बातें हम करेंगे इस वीडियो में। बस आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन और सारे अपडेट सबसे पहले मिलते रहें। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कैसा क्या इसमें ट्रेड चली है। तो इसमें आप देखिए ऑलमोस्ट 2.30 रुपये की इसमें तेजी देखने को मिली है, जो कि 5% का इसमें अपर सर्किट देखने को मिला है। जब मार्केट ओपन हुआ था तो काफ़ी जो है कन्फ्यूजन रही, लेकिन बहुत जल्द जो है इसमें ऑलमोस्ट 10:30 बजे के आसपास जो है इसमें अपर सर्किट लग गया था, और पूरे दिन जो है इसमें अपर सर्किट लगा रहा। अभी ये 48.60 रुपये पर जो है ट्रेड कर रहा है। वन वीक की इसमें बात करें तो वन वीक में इसमें ऑलमोस्ट 2.10 रुपये की जो है तेजी देखने को मिली है, जो कि 4.52% के आसपास की तेजी है। ऑलमोस्ट 4.5% इस शेयर में बढ़ोतरी एक वीक में देखने को मिली है। एक मंथ की बात करें तो एक महीने में जो है ये शेयर अपना लॉस में चल रहा है। ऑलमोस्ट 15.5% गिरावट इसमें देखने को मिली है। एक महीने में 8.90 रुपये जो है ये जो है शेयर अपना लॉस में जा चुका है। 6 महीने में देखेंगे तो 6 महीने में प्रॉफिट में देखने को मिल रही है कंपनी। ऑलमोस्ट 850% जो है कंपनी का शेयर बढ़ चुका है। 43.45 रुपये की जो है इसमें तेजी देखने को मिली है, अगर अपने 6 महीने के डेटा को हम देखें तो। काफ़ी अच्छा इसका अभी तक परफॉर्मेंस रहा है, काफ़ी अच्छी जो है इसमें रैली आई थी। आप खुद देख सकते हैं जो इनका 52 वीक का लो है, अगर हाई अगर आप गौर करें, देखिए 52 वीक का जो इसका लो था वो 5.15 रुपये का था, और जो हाई था वो ऑलमोस्ट 71 रुपये का था। तो कितना आप खुद देख सकते हैं तेजी इसमें देखने को मिली थी, और फिर इसमें इतनी तेज़ी आने के बाद पक्का था कि प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी, और वही चीज़ में देखिए देखने में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, और काफ़ी लंबे समय से जो है इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, और लोअर हाई वाला जो पैटर्न होता है हमारे पनी स्टॉकों का, वही पैटर्न जो है इसमें देखने को मिला है। अगर इस कंपनी की बात करें तो कंपनी बहुत जल्द आपको मल्टी बैगर बनती हुई मिलेगी, इस बात की बिल्कुल गारंटी, क्योंकि कंपनी जो है पावर डिस्ट्रीब्यूशन में भी डील करती है। उसके अलावा जो है जिन कंपनी में इसने निवेश किया है वो ईवी एंड एआई की कंपनी है। आपको पता होगा कि रिवोल्ट मोटर्स में इनकी काफ़ी अच्छा स्टेक है, इसी वजह से जो है ये काफ़ी कंपनी ग्रो करे, क्योंकि ईवी आपका पता है कि भविष्य है। और उसके अलावा जो उन्होंने दूसरी बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी वो की थी लॉजिस्टिक में, जो मेटानेट कंपनी है यूएसए की, वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है यूएसए की, वो उस कंपनी में भी इन्होंने अपना पैसा लगाया था, उस कंपनी के साथ जो है इन्होंने पार्टनरशिप की थी। तो इस लिहाज से देखें तो काफ़ी अच्छा जो इनका इन्वेस्टमेंट रहा है अभी तक, और ये इन्होंने जो है उन कंपनी में पैसा लगाया है जो कंपनी ऑलरेडी बनी हुई है, मतलब कि बिल्कुल फंडामेंटली स्ट्रांग है, और कंपनी जो है टिकेंगी, उन कंपनी में पैसा इसने लगाया है। तो इस बात की गारंटी है कि कंपनी बहुत जल्द जो है ग्रो करेगी, ये बात बिल्कुल तय है इस कंपनी की। ये तो बात रही कि कंपनी, तो कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी आपको ये रतन इंडिया एंटरप्राइज मिल रही है। कंपनी प्रॉफिट में भी है, ये कंपनी लगातार ऐसी अगर प्रॉफिट में बनी रहती है तो आप खुद देखिएगा ये कंपनी बहुत जल्द ऊपर जाती हुई मिलेगी कंपनी, क्योंकि फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है। पीबी एंड पीवी रेशियो इसका धमाकेदार देखने को मिल रहा है। अगर हम चलते हैं चार्ट की तरफ, कि चार्ट पे कौन सा आपका लेवल अभी तक बहुत अच्छा काम किया है, तो आपको याद होगा हमने लास्ट वीडियो में आपको 40.65 रुपये का एक लेवल दिया था बाइंग करने के लिए। हमने आपको बोला था कि यहाँ तक आता है, और हमने आपको बोला था कि करंट प्राइस भी आपका काफ़ी अच्छा है बाइंग करने का, तो आप करंट प्राइस या 40.65 रुपये पर आने का वेट करें, और आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा लेवल आपका बाइंग करने का, बहुत अच्छा ये लेवल अभी तक काम भी किया हमारे 40.65 रुपये का, क्योंकि ये यहाँ तक अभी नहीं गया है, ना ही इसको तोड़ के जो है ये नीचे जा पाया है। तो काफ़ी जो है महत्वपूर्ण हमने आपको लेवल प्रोवाइड किया था, और तो आप खुद देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से भी ये लेवल काम किया है। और देखिए इसमें अभी कंसोलिडेशन का फेस चल रहा है, और ये अभी ये थोड़ा सा टूटता हुआ देखने को मिला है, और इसने हमारा जो टारगेट नंबर 1 जो था हमारा 48.85 रुपये का, इसके नज़दीक ये पहुँच चुका है। ऑलमोस्ट 48.60 रुपये पर ये पहुँच चुका है, ये हमारा टारगेट नंबर 1 था 48.85 रुपये, इसके ये बहुत नज़दीक पहुँच चुका है, और ये बहुत जल्द अचीव होता हुआ आपको मिलेगा। कौन सा 48.85 रुपये का लेवल, ये हमारा टारगेट नंबर 1 था, और हमने आपको बोला था कि बाई तो अभी आपको नहीं करना है, बाई आपको करना है तो आप 40 रुपये पर कर सकते हैं,
और अगर आपको और भी अपडेट करना है तो आप इसमें इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी तेजी इतनी तगड़ी तेजी देखने को नहीं मिलेगी। तेजी इसमें आएगी लेकिन वो तेजी फिर से गिरावट में बदल जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना तो अभी आप कर सकते हैं, लेकिन करें कहाँ पर, 43.60 रुपीज़ का एक बहुत अच्छा बाइंग लेवल निकल के आ रहा है। उसका रीजन क्या है कि हमने आज ही इस पर गौर किया कि ये काफी दिन से जो है इसमें कंसोलिडेट कर रहा है इस लेवल पर, तो ये एक नया लेवल आपका बाइंग का निकल के आ रहा है। तो आपको बाई करना है तो बहुत बेहतरीन लेवल आपका 43.60 रुपीज़ का है अगर आपको इसको लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना है। और शॉर्ट टर्म में आप अगर चाहते हैं इसमें पैसा लगाना, शॉर्ट टर्म भी आप थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि जब इसमें कंसोलिडेशन का जो फेस चल रहा है ये जब खत्म हो जाए तब जाके जो है आप इसमें निवेश करिएगा। शॉर्ट टर्म में आपको तगड़ा पैसा लगेगा, क्योंकि अगर आप अभी 15-20 दिन के लिए सोच रहे हैं पैसा लगाने का तो 15-20 दिन में क्या होगा, इसमें कंसोलिडेशन चलता रहेगा तो आपका पैसा ज़्यादा बन नहीं पाएगा। इसलिए मैंने आपको शॉर्ट टर्म में अभी मना किया है, तो आप जो है इसमें अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं चाहे तो। बाकी लॉन्ग टर्म में आप जो है आप 43.60 रुपीज़ पर आराम से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और आपका लॉन्ग टर्म का जो टारगेट एक निकल के आ रहा है बहुत तगड़ा, वो है आपका 65.80 रुपए का आपका टारगेट नंबर वन। टारगेट नंबर टू आपका जो है वो है 70.50 रुपए का। और टारगेट नंबर थ्री आपका बहुत अच्छा लॉन्ग टर्म का टारगेट जो है वो आपका 84 रुपीज़ का निकल के आ रहा है। बहुत अच्छा आपका लेवल रहेगा ये अगर आप उसको बाई करते हैं 43.60 रुपए के लेवल पर। और टारगेट कौन सा रहेगा आपका लॉन्ग टर्म का, ऑलमोस्ट 84 रुपीज़ का। तो काफ़ी तगड़ा जो आपका पैसा इस कंपनी से बनेगा ये बिल्कुल तय है। तो आप जो है इसमें कंपनी में आराम से निवेश कर सकते हैं। और इसमें से आपको जिसमें फोकस करना है वो आपका लेवल रहेगा कौन सा, आपका लेवल जो फोकस करने लायक है वो आपका 65.80 रुपए का रहेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया था, इसके पहले जब इसमें तेजी आई थी तो इसमें जो है इसके बाद गिरावट आना शुरू हो गई थी और ये लोअर हाई बनाते हुए नीचे चलने लगा था। तो इस पर काफ़ी आपको फोकस करना है 65.80 रुपए पर। और हमने आपको एक 60 रुपए का टारगेट दिया था, हमने आपको बोला था कि इसमें आपको निकलना है तो आप 60 रुपए पर निकल जाइए, क्योंकि इसमें फर्दर गिरावट आएगी और वही चीज़ इसमें देखने वाली है। तो पुरानी बातें हो गई, नई बात जो है नई बात यही है कि आपको 43.60 रुपए बहुत अच्छा लेवल एक बाइंग का निकल के आ रहा है लॉन्ग टर्म में अगर आप इसको निवेश करना चाहते हैं। और शॉर्ट टर्म में अभी थोड़ा सा वेट कर सकते हैं बाई करने के लिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसलिए मैं मना कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसमें कंसोलिडेशन चलेगा, कंसोलिडेशन के बाद जो है इसमें तेजी आएगी, तो जो है आपको उस फेस को निकाल देना है। कंसोलिडेशन के फेस के बाद आपको जो है इसमें बाई करना है। तो ये तो हमारे लेवल थे, आप इस लेवल के हिसाब से अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी कंपनी में कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही है। और दोस्तों आपके लिए एक अनाउंसमेंट है, हमने एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप चालू किया है। ये हमारा जो फ्री टेलीग्राम ग्रुप है इसमें हम क्या करते हैं, आपको इंट्राडे की जो ट्रेड होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है इसमें। और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के जो स्टॉक होते हैं, जो सबसे बेहतरीन स्टॉक होते हैं, जो आपको कम रिस्क में ज़्यादा पैसा बना के देते हैं, वो स्टॉक आपको उस जो है ग्रुप में प्रोवाइड किए जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको इसके बिल्कुल भी पैसे नहीं देना है। पेनी स्टॉक भी उस ग्रुप में आपको दिए जाएंगे, एक लिस्ट है पेनी स्टॉकों की, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी हर महीने, आपको हम वो प्रोवाइड करेंगे जाकि आप जो है अच्छा खासा पैसा उसमें बना पाएं। तो जो है आप उस ग्रुप को जाके ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है। आपका काफ़ी फायदा होगा उस ग्रुप के ट्रेड को लेके, लोग काफ़ी पैसा कमा रहे हैं हमारे ग्रुप के ट्रेड को लेके, आप भी इसी तरीके से पैसा कमा सकते हैं अगर आप इंट्राडे में जो है डील करते हैं। तो अभी आके ज्वाइन कीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, काफ़ी आपको फायदा होगा उस ग्रुप में ज्वाइन होने से। तो दोस्तों यहीं तक की हमारी वीडियो, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी प्रकार से अपना प्यार नंबर बनाए रखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेते हुए अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद एंड थैंक यू।